दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जो आरपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा कृषि अधिकारियों की जो भर्ती निकाली गई है, सहायक कृषि अधिकारियों की भर्ती निकाली गई है, उसकी हम बात करेंगे। 28 तारीख को नोटिफिकेशन निकला है, आइए देखते हैं। चैनल शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पर क्लिक करें, साथ में इस घंटी पर जरूर क्लिक करें, जो आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे हैं। आइए देखते हैं विज्ञप्ति के बारे में, क्या सूचना है, क्या डिटेल है उनके साथ में। सबसे पहले हम पोस्टों की बात करते हैं, टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात, गैर टीएसपी और टीएसपी की बात करते हैं। 115 पोस्ट हैं गैर टीएसपी की और 15 पोस्ट हैं टीएसपी की। जनरल की है 42, उसके बाद ओबीसी की 17 हैं, उसके बाद एससी की है 13, उसके बाद एसटी की है 10, और उसके बाद एमबीएससी की है सामान्य की एक पोस्ट है। इसके अंदर मुख्य रूप से हम बात करेंगे, ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो 6 जून से शुरू हो जाएगा, आवेदन 6 जून से शुरू हो जाएगा। इसके अंदर जो पदों की भर्ती होगी, रिक्त स्थान में कमी और वृद्धि भी की जा सकती है। तो ये भर्ती असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती है दोस्तों, इसकी हम कुछ और चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो हमारा लेवल रहेगा, उसके अंदर बीसीए एग्रीकल्चर या बीएससी होम ब्रांच होनी चाहिए, यानी एग्रीकल्चर के अंदर आपको होना चाहिए कोई भी डिप्लोमा हो, उसके साथ में कुछ नॉलेज होना जरूरी है राजस्थान कल्चर का और राजस्थान लैंग्वेज का पूरी की पूरी। और इसके अंदर जो छूट दे रखी है 5 वर्ष से 10 वर्ष हैं, उसके बाद में बाकी ये छूट दे रखी है 5 वर्ष और 10 वर्ष छूट आपको दे रखी है। इसकी हम बात करने वाले हैं और कैलेंडर की बात में इसका जो सिलेबस है उनकी हम चर्चा करेंगे। इसकी जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया लिखित अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से हो गया, विज्ञप्ति में दिए गए आवेदन के अधिकतम आपको साक्षात्कार इसका जो होगा वो पैटर्न होगा, वो पैटर्न होगा जो इंटरव्यू कह सकते हैं, तो इंटरव्यू आपका होगा और इंटरव्यू साक्षरता अभी जल्द से जल्द एग्जाम डेट घोषित की जाएगी। पाठ्यक्रम आपका रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा, और उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, यानी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। आवेदन की तिथि 6 जून से शुरू है और 30 जून तक रात्रि तक चलेगा। इसके अंदर भरने की प्रक्रिया वही रहेगी, आपको एसएसओ आईडी से भरना पड़ेगा। ऑनलाइन में आप संशोधन की तारीख 1 जुलाई से 7 जुलाई तक रहेगी। और दोस्तों इसके अंदर जो परीक्षा की जो डेट है आपको मैसेज के द्वारा कर दिया जाएगा। और इसकी हम बात करते हैं, इसका सिलेबस भी बहुत जल्द से जल्द जारी होगा और परीक्षा शुल्क और प्रमाण पत्र संबंधी सूचना आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये भर्ती आ रखी है दोस्तों, आपका जो इंतजार हो, क्योंकि राजस्थान सरकार की बहुत सारी भर्तियाँ आ रही हैं, तो आप इस भर्ती के ऊपर अमल करें और जो भी क्वालिफिकेशन है उनकी तैयारी करें, क्योंकि हमें पोस्ट एक चाहिए। आप किसी भी पोस्ट के लिए, एक पोस्ट के लिए लड़ सकते हैं, तो आपको, आप कितने भी आवेदन भरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप अपना एक पोस्ट के बारे में सोचिए, क्योंकि हमें पोस्ट की ज़रूरत एक है। और राजस्थान डेली करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, यहाँ से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट के लिए जरूर बताएं दोस्तों। एक ऐसा ही वीडियो के साथ फिर से दोस्तों, तब तक नमस्कार।